उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित गोष्ठी में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और कहा कि प्रदेशवासियों के आशीर्वाद, प्रेम एवं उत्साह से काम करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं पर सरकार बीते 2 सालों में खरी उतरी है। आज देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम बढ़ा है। आज इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य स्थापना हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे हमारे अमर बलिदानियों का, जिन्होंने देश की सीमाओं के लिए अपने प्राणों की शहादत दी, अपना बलिदान दिया, उत्तराखंड के समस्त आंदोलनकारियों को, उनको भी आज मैं नमन करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हम आज राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज का दिन 23 मार्च, यह आज विशेष दिन है। आज ही के दिन हमारे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी आज मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। इन्होंने आज ही के दिन भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, तब जाकर हमको आज़ादी मिली। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं और जिस प्रकार से मैं इस प्रांगण में आया, इस होटल के बाहर जैसे पहुंचा, हमारे युवा नौजवान, माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग जैसे आशीर्वाद दे रहे थे, मन ही मन मुझे बहुत खुशी हो रही। जो ऊर्जा, जोश, उमंग, उत्साह, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आप सबके अंदर जो मैं ऊर्जा देख पा रहा हूँ, जो आपका उत्साह देख पा रहा हूँ, जो प्रेम देख रहा हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मैं देख रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि 2 साल का जो कार्यकाल, जिस विश्वास के साथ आप सब लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उस विश्वास पर आज हमारी राज्य की सरकार खरी उतर रही है, उसको उन अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। और सच कहूं तो भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इतिहास में ये 2 वर्षों का जो कालखंड है, वो वास्तव में कई मायनों में स्वर्ण अक्षरों में ये 2 वर्ष अंकित हो गए हैं। आज पूरे देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड का नाम तेजी से बढ़ा है, उत्तराखंड के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उत्तराखंड आने के लिए हर एक तरफ से आज लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं, अपनी इच्छा प्रकट की है। इसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं। हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट करी थी, उस ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट में जिस प्रकार आज 3,54,000 करोड़ के हमारे साथ निवेशकों ने करार किए, और उससे बड़ी बात कि 81,000 करोड़ रुपए की जो है आज ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। और पिछले 2 वर्षों में आपकी चुनी हुई जो भाजपा की हमारी सरकार है, उसने अनेक विकास के कार्य किए हैं, इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं जिसके बारे में पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने बड़े फैसले लिए जाएंगे। आज से 2 साल पहले जो भी हमने वायदे किए, जो भी हमने संकल्प लिए, हम उन वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं, लगातार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रहे हैं। एक तरफ जहां हम हजारों करोड़ की जो लागत के विकास के कार्य करा रहे हैं, वहीं प्रदेश के अंदर अनेक कड़े कानूनों को भी स्थापित कर रहे हैं, कड़े कानून भी अमल में ला रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने विकल्प रही संकल्प को मूल मार के, मूल मंत्र उसको मानकर अपने जो कार्यधारा है, हमारा जो आगे का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसमें उसको सम्मिलित किया है। मतलब है कि अगर किसी कार्य को पूरा करने का अगर संकल्प ले लिया है तो उसे पूरा करके ही मानेंगे। मैं आज इस मंच से एक बार फिर कह रहा हूँ कि आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हम आने वाले समय में उत्तराखंड को देश का जो अग्रणी राज्य है वो बनाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मोदी जी उत्तराखंड के सदैव, हमेशा
साथ में खड़े रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ लेने में हमें अपना योगदान सुनिश्चित करना है। भाइयों बहनों, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है और 19 अप्रैल को हमारे उत्तराखंड का जो चुनाव है वो पहले चरण में होना है। इसलिए हमको तय करना है कि जितने वोटों से 2019 में हमने यहाँ से उनको जिताकर भेजा था, पांचों सांसदों को भेजा था, इस बार 2019 के रिकॉर्ड को हमें तोड़ना है। राष्ट्र सर्वप्रथम।